मानिको नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय के आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने मानिको क्षेत्र में नक्शा विचरण कर बनाए जा रहे दो भवनों को सील कर दिया है। इनमें से भाजपा नेता विकास सिंह का भवन भी शामिल है। डिमना रोड में विकास सिंह और ओल्ड पुरलिया रोड जाकिर नगर के कबीर मंजिल द्वारा बनाए जा रहे भवनों को बिना नक्शा के अवैध भवन निर्माण कार्य करने के कारण सील किया गया है। मानिको नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया है कि भवन मालिकों द्वारा बिना भवन नक्शा पारित कर अवैध भवन निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया है कि मानिको नगर निगम की जांच टीम द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण के बाद निगम कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस में निर्माणाधीन भवन के नक्शा की मूल प्रति के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया था। इसके लिए समय भी दिया गया था, लेकिन मकान मालिक उपस्थित नहीं हुए और ना ही पत्राचार भी किया। साथ ही अवैध निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा। यही नहीं, भवन मालिक को अवैध भवन को 48 घंटे के अंदर तोड़कर सूचित करने को भी कहा गया था, लेकिन भवन मालिक द्वारा नोटिस की अवहेलना कर अवैध भवन निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा गया। दीपक सहाय ने यह बताया है कि कार्यालय से तीसरी बार और अंतिम नोटिस देते हुए 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को स्वयं तोड़कर हटाते हुए कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया गया, परंतु नोटिस के द्वारा बार बार याद दिलाने के बावजूद भी भवन मालिक के द्वारा निरंतर अवैध निर्माण कार्य जारी रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।